एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ स्पेशल वीडियो, स्पेशली मैन न्यूली मैरिड या जिनकी शादी होने वाली है, ये जो वट सावित्री वाले दिन तैयार होना पसंद करती हैं, उनके लिए मैं ये मेकअप लुक लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है और बहुत ही कम टाइम में मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ या जिनकी शादी हुई है न्यूली या जिनकी शादी होने वाली है, जो ये व्रत रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं मॉइस्चराइज कर लूंगी अपने फेस को अच्छे से। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। मैं इसको थोड़ा सा ही अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले। आई मेकअप स्टार्ट कर लूंगी। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपने आई को अच्छे से प्राइम कर लूंगी। यहाँ पर अपने आई को जो है प्राइम कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा कंसीलर अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मेकअप के लिए अच्छा सा बेस क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लेक्मी का एब्सोल्यूट पैलेट ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट, और इस पे जो है न्यूट्रल जो बिल्कुल बेस कर रहे हैं उनको जो है अप्लाई कर लूंगी अपने क्रीज पर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर शेड चाहते हैं तो आप यहाँ पे हल्का सा डार्क शेड जो है हल्का सा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छा सा अपना जो है आई मेकअप का लिटिल बेस तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही सटल ब्लैक स्मोकी आईज क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूंगी अपने पूरे आई लिड पर। मैं यहाँ पे सेम ब्रश यूज करूंगी जो मैंने यहाँ पे अपने क्रीज पे अप्लाई किया था जो कलर, और सेम वही कलर मैं अप्लाई कर लूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लोअर लैश के पास ब्राउन आई शेडो अप्लाई करूंगी। पे जो है काजल अप्लाई करूंगी। काजल बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, इसीलिए मैं काजल यहाँ पे अप्लाई करूंगी, बट यहाँ पे जो है बहुत लाइट काजल अप्लाई करूंगी मैं। अब यहाँ पे जो भी मेरे फॉल्स जो फॉल आउट हुए हैं, जो भी मेरे आई शेडो, मैं उसको क्लीन करूंगी बेबी वाइप। बेस क्रिएट करता है, साथ ही हमारे फाउंडेशन को बहुत ही अच्छा बेस देता है जिससे अच्छे से ब्लेंड हो सके और साथ ही हमारे मेकअप को जो लॉन्ग लास्टिंग रख सके। डार्क सर्कल्स है उनको हाइड करने के लिए कंसीलर अप्लाई करूंगी। इवन जहां जहां मेरे डार्क स्पॉट्स है वहां पे मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी जिससे वो हाइड हो सके। यहाँ पे जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। लेक्मी का
रूम्स पाउडर यूज कर रही हूँ उसको अच्छे से सेट करने के लिए। यहाँ पे जो है कंटूर करूंगी मैं, बहुत लाइट कंटूर करूंगी। अगर आपको डार्क कंटूर पसंद है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्रीमी कंटूर आपको अगर करना है तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यही लुक आपको क्रिएट करना है तो डेफिनेटली आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे टैग करना ना भूले इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अपने जो भी आपने लुक क्रिएट किया है आप उन्हें टैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।